सावन मास का प्रारंभ होना और उज्जैन में बाबा तिल भांडेश्वर का नगर भ्रमण पर निकलना उत्साह और उमंग की अनुभूति कराता। बाबा तिल भांडेश्वर का सवारी मार्ग मुख्य होता है, लेकिन हाटपुरा से नेहरू भेरू महाराज चौराहा तक यह मार्ग अपने आप पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। यह कहना है कांग्रेस के युवा नेता दीपेश परमार सहित नगर की आम जनता का। उन्होंने कहा कि हर बार श्रावण मास में जन प्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अमला और भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल के जन प्रतिनिधि इसका अवलोकन करते हैं, लेकिन जब इसके निर्माण की बात आती है तो मिट्टी डालकर इस मार्ग को सही कर दिया जाता है। परमार ने कहा कि वर्तमान विधायक महेश परमार से निवेदन है कि सड़क का निर्माण इसी महीने करवाया जाए, ताकि श्रावण मास में निकलने वाली सवारी और शाही सवारी में भक्तजनों और बाबा की पालकी उठाने में आसान और साथ ही सालों पुरानी आम जनता की मांग भी पूरी हो सके। तक जो सवारी मार्ग है 15 सालों से बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि बन जाएगा, अभी 2-3 चक्कर भी पास हुआ, क्या पता क्या होता है, मजा आएगा। दो बार इसका भूमि पूजन हो चुका है, तीन बार। क्या कारण ऐसा रहा है कि नहीं? अब ये तो नगर पालिका ही जाने, अब क्या बोलते हैं वो तो हमसे तो कहते हैं कि बन गया, बन जाएगा। आपकी जैसे मुख्य मार्ग पर दुकान संचालित होती है, किस तरीके की परेशानी आती है? परेशानी बहुत आती है, कीचड़ हो जाता है, लोग गिरते करते हैं। अभी आपकी क्या मुख्य मांग है? मांग तो यही है कि रोड बनना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। जहाँ कई सामाजिक संगठनों की रैलियाँ भी निकलती हैं, जुलूस भी निकलती हैं, हाटपुरा से लेकर भेरू महाराज चौराहे तक जो स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, विगत 15 वर्षों से जस के तस हालात बने हुए हैं जी। लगातार जनप्रतिनिधि कोई से भी दल के हो, बीजेपी कांग्रेस के जैसा भी हो, जो भी आए चुने गए, हर बार सिर्फ आश्वासन के नाम पर चूरी मिट्टी और इसको डाल के इतिश्री कर ली जाती है। हर बार सवारी मार्ग हो तो सावन के महीने में समस्त प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि सहित सारे प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे सवारी मार्ग का दौरा करते हैं। बरसों हो गए इस चीज़ को, बरसों ये क्रम चलता रहता है, हर जन प्रतिनिधि आता है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दौरा करके चला जाता है, लेकिन 15 वर्षों से सिर्फ हाटपुरे से लेकर भेरू महाराज चौराहे तक की रोड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। किन किन अधिकारियों को आपने अवगत कराया और कहां कहां इस मामले को उठाया? सैयद भाई, मैंने अभी आज हाल फिलहाल में तो अभी अधिकारियों को अवगत नहीं कराया, क्योंकि अधिकारी तो इस चीज़ को देख चुके हैं, निकलते हैं रोजाना, निकलते हैं, मुख्य मार्ग है तराना नगर के अंदर का मुख्य मार्ग है। जनप्रतिनिधि भी निकल चुके हैं, अवगत कराने की किसी की भी कोई वो नहीं है, क्योंकि वो खुद भी इस तरह से जागरूक है कि वो इस चीज़ को देख चुके हैं। मेरा सवाल ये, मेरा पूछना ये है सभी समस्त जनप्रतिनिधियों से, चाहे महेश परमार जी हो, चाहे सांसद अनिल फिरोजा जी हो, या नगर परिषद के अध्यक्ष जी हो, या समस्त पार्षद हो, 15 सालों में अलग अलग दल से अलग अलग चीज़ों से चुन के जाने के बावजूद भी इस मुख्य नगर मुख्य मार्ग की अनदेखी क्यों? और अगर इसका भूमि पूजन 3 बार हुआ है, 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले माननीय तत्कालीन उस समय जो विधायक थे अनिल बिरोया जी साहब, उन्होंने इसका भूमि पूजन करा, उसके बाद आज महेश परमार जी का कार्यकाल को 2 साल होने आए, लेकिन इस स्थिति को कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं सुनने को तैयार है। मेरा हाल फिलहाल में विरोध नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के, मैं महेश परमार साहब से भी वर्तमान विधायक हैं, अनिल फिरोजा जी वर्तमान सांसद हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रोड का निर्माण शीघ्र और अतिशीघ्र करवाएं। कई बार आपने इस मामले को उठाया है, फेसबुक के माध्यम से भी उठाया है और कई तरीके से आपने इस मामले को उठाया है, तो ये कैसी चीज़ें आती हैं सामने आपके कि इन चीज़ों को उठाना चाहिए? फेसबुक एक माध्यम है, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ से अपनी चीज़ें अपनी बातें उठा सकता हूँ, मैंने उठाई है और बड़ी विनम्रतापूर्वक समस्त जनप्रतिनिधियों से सिर्फ आवेदन निवेदन ही करा है। लेकिन इस बार मेरा आवेदन निवेदन का नहीं है, अगर ये रोड का निर्माण अगर जनप्रतिनिधि सूझ नहीं लेते हैं तो चरणबद्ध स्थिति में आंदोलन करा जाएगा। बहुत बहुत शायद मार्ग सवारी मार्ग है, हाटपुरा से लेकर भेरू महाराज चौराहे तक लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक बना नहीं, क्या कारण है? इसका कारण तो एकमात्र मान सकता हूँ कि जब से ये रोड बना है सीमेंट कंक्रीट का, तब से ही ये कुछ समय के बाद में ख़राब हो गया था, किंतु यहाँ की नगर की जनता ने इस ओर ध्यान दिया नहीं। 15 साल से भोग रहे हैं हम यहाँ पर, गर्मी के समय धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, बारिश के समय कीचड़ होता है, गड्ढे होते हैं, और कई लोगों को घरों में पानी घुस जाता है, ये भी परेशानी है। खैर, नगर पंचायत ने इसकी व्यवस्था जमाई थी रोड को बनाने के लिए, कुछ आदेश भी हुए थे, किंतु यहाँ के मार्गवासियों ने रोड को ऊंचा नहीं करने के कारण एक आपत्ति दर्ज कराई थी, पर उसका हल अभी तक हुआ नहीं है। उसका हल दो दो बार भूमि पूजन होने के बाद में रोड रुक चुका है, इस पर आप किसको दोषी मानते हैं? इस पर देखो, दोषी तो मान ही नहीं सकते हैं, इसमें जनता को ही दोषी मान सकते हैं कि जनता इसमें सक्रिय नहीं थी। मेरे जैसा युवा अगर सक्रिय नहीं है
मेरी ये जिम्मेदारी से बाहर हो रहा है तो ये मेरी गलती है, पर इस मार्ग को तुरंत दुरुस्त कराया जाए यही प्रशासन से मांग है। अभी आपकी मुख्य मांग क्या है इस विषय को लेकर? मुख्य मांग ये है कि अभी सवारी मार्ग है, ये आवागमन के लिए ये सबसे मुख्य मार्ग है, व्यापारियों के लिए भी है, तरहाना नगर की जनता के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है। पर ये मांग मेरी है, जनता की ओर से ही मांग लो, व्यापारियों की ओर से मांग लो, संगठन की ओर से मांग लो कि इसको तुरंत दुरुस्त कराया जाए और इस ओर प्रशासन का ध्यान रहे। जो हाटपुर से लेकर भैरू महाराज चौराहे तक जिस रोड की स्थिति दयनीय हो रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 10 साल से 12 साल से हम इस असहनीय स्थिति को भोग रहे हैं और प्रतिवर्ष सवारी निकलती है, महत्वपूर्ण सवारी निकलती है। इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं कि सवारी मार्ग कैसा हो, सवारी मार्ग की व्यवस्था कैसी हो, और मार्ग को देखने के लिए सवारी निकलने के एक दिन पहले सारे अधिकारी आते हैं और एक कच्ची सी चूरी डालकर उसकी इतिश्री कर दी जाती है। जबकि सवारी मार्ग का मुख्य मार्ग जो कि तराना का हार्ट लाइन है, बाजार भी है, वहाँ भैरू महाराज से लेकर हाटपुरे तक सड़क के ही पते नहीं है और उसी पर से राजा महाकाल यहाँ पे निकलते हैं और सिर्फ बातें बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन कोई भी पार्टी इस बारे में ध्यान नहीं दे पा रही है। और नगर के सारे व्यापारी और बाहर से आने वाले लोग अपने आप पर हंसते हैं और तराना पर हंसते हैं कि कैसी व्यवस्था है। सर, दो दो बार इस रोड का भूमि पूजन हो चुका है, क्या कारण ऐसा रहा है कि बार बार ये रोड बनते बनते रुक जाता है? नहीं, ये सब प्रशासनिक मामले हैं, ये इसका मैटर तो अपन क्या बता सकते हैं, लेकिन सारी पार्टियाँ, सारे राजनीतिक दल, सारे पार्षद, सारी नगर निगम, विधायक, सब लोग इस पे देख गए हैं, इस पे अपने मंतव्य दे चुके हैं, कई लोगों ने पैसे भी पास कर दिए हैं, लेकिन न जाने क्यों इस सड़क का दुर्भाग्य ऐसा है, नगर का दुर्भाग्य ऐसा है कि सड़क बन नहीं पा रही है। उम्मीद ये है कि शायद अब वापस से चूँकि सवारी मार्ग का अवलोकन हो रहा है, सवारी निकलने वाली है, हो सकता है इसका कुछ उद्धार हो जाए। आपने अभी कहा कि शांति समिति की बैठकें आयोजित होती हैं, अधिकारी आते हैं, इतिश्री करके चले जाते हैं, अधिकारियों के बारे में आप क्या कहेंगे जिस तरीके की उनकी कार्य प्रणाली है? नहीं, अधिकारी तो बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे आज कोरोना युद्ध चल रहा था उसमें वही अधिकारी थे, उन्होंने सब अच्छा काम किया है, लेकिन अधिकारियों की भी सीमा होती है, वो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम कर सकते हैं। जब सवारी मार्ग पे एक दिन पहले देखने आएंगे तो सवारी मार्ग कल के लिए कितना अच्छा हो सके बस यही कर पाएंगे, जबकि ये स्थायी व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आप क्या डिमांड करते हैं, क्या मांग करते हैं? नहीं, मैं यही मांग करता हूँ कि अब सवारी मार्ग है, सवारी के समय में मार्ग तो नहीं बन सकता है, लेकिन क्या कोई स्थायी हल इसका सब लोग मिलकर कर सकते हैं, सारे नेता प्रतिनिधि सब मिलकर कर सकते हैं कि इस नगर की हार्ट लाइन को अच्छा कर सके। धन्यवाद। चौराहे से लेकर हाटपुरा तक कई साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं बना, आज सावन की पहली सवारी भी निकलना है, क्या कहेंगे आप? मैं इस विषय में ये कहता हूँ कि इसके लिए शिवराज जी ने अनिल फिरोजिया के द्वारा किए जाने से 50 लाख रुपए स्पेशल मंजूर किए थे और पैसा नगर पालिका के पास आ गया था, परंतु इसमें विवाद हुआ कि वो सीमेंट रोड बनाना चाहते थे, नागरिकों का कहना था कि इसको डामर रोड बनाया जाए, जिसमें तो सारी सड़क खोदोगे आप, नल कनेक्शन वगैरह बिजली पाइपलाइन सब तोड़ोगे, उसके बजाय इस पर सिर्फ डामरीकरण कर दिया जाए, तो उस फिर इसका डामरीकरण का प्रपोज हुआ, उसका बना, वो सेंक्शन हुआ, फिर लोकसभा का वो लग गया, विधानसभा का वो लग गया आचार संहिता, तो फिर रोक दी, उसके बाद में वो पैसे को इन्होंने अन्य मोहल्लों में सीमेंट रोड और अन्य बनाने में काम ले लिया, और उसके बाद फिर हमने जब कार्रवाई करी तो फिर तय हुआ कि ये बनाई जाएगी, फिर इसके बाद भी नहीं बनी, फिर लोकसभा आचार संहिता लग गई। गत वर्ष विधायक महेश परमार सारे नेताओं को लेकर के कुमारी मार्ग का निरीक्षण करने आया था, तब मेरा उनसे जहाँ विवाद हुआ था मैं बाजार में, मैंने कहा, वो तो बोले कि आपकी सरकार ने नहीं बनाई, मैं बना दूंगा, तो मैंने कहा इसका 50 लाख मंजूर है, पार्षद साथ में, तुमने कहा कहाँ पैसा आया था पर कहाँ खर्च हुआ ये हमें नहीं पता, तो बोले मैं 15 दिन में काम लगा दूंगा, ये वो आश्वासन देके गए थे 15 दिन को, 15 उसके बाद वापस एक वर्ष पूरा हो गया है, फिर इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनने में आया है बाबू जी के दो बार इस रोड का भूमि पूजन हो चुका है और दो ही बार ये रोड बनते बनते रह गया, क्या कारण है सारा? ये इसीलिए विवाद में थी कि वो सीमेंट रोड बनाना चाहते थे, नागरिकों की मांग इसको डामर रोड बनाने की थी, सीमेंट रोड में 52 लाख लग रहे थे, डामरीकरण में 22 लाख लग रहे थे, हमने कहा वो पैसा दूसरे का काम आ जाएगा और ये लोगों की तोड़फोड़ नहीं होगी, इसलिए आप इसको डामरीकरण बनाओ, फिर डामरीकरण का इसका बजट बना, मंजूर हुआ, उसके बाद ये आचार संहिताओं के कारण फिर रुक गया, फिर एक बार भूमि पूजन हुआ, फिर रुक गया। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर डामरीकरण कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरा सीमेंट रोड है ठेठ तक, इसको खोद करके फिर से बनाने से कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर डामरीकरण कर दिया जाएगा तो रोड मजबूत रहेगी।
उन्हीं को नीचे खोदना पड़ेगा 10 इंच, या इसके ऊपर आप बनाओगे तो कई मकानों में और कई मंदिरों में पानी घुसेगा। धन्यवाद। उज्जैन से केकेटी न्यूज संवाददाता अजय नवरंग की रिपोर्ट।